करीब 36 घंटे से लापता कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी आखिरकार वो सच साबित हो गई। पुलिस ने नेत्रावती नदी से उनके शव को बरामद कर लिया। पुलिस तटरक्षक बल, गोताखोर और मछुआरे समेत कुल 200 लोगों की टीम नेत्रावती नदी में सिद्धार्थ को ढूंढने में जुटी हुई थी। सिद्धार्थ के लापता होने के बाद से उनके आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही थी और करीब 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी कैफी कॉफी डे के मालिक और पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ सोमवार की शाम से अचानक लापता हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ 29 जुलाई को मंगलोर आ रहे थे और बीच रास्ते में शाम के करीब 6:30 बजे गाड़ी से उतर गए और नेत्रावती नदी पर बने पुल पर टहलने लगे। इसके बाद वो लापता हो गए और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। वीजी सिद्धार्थ के लापता होने के बाद उनका एक खत भी सामने आया जिसमें उन्होंने कर्ज के बोझ और मुश्किल परिस्थितियों के आगे हार मानने की बात लिखी थी। सिद्धार्थ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कैफे कॉफी डे परिवार को संबोधित करते हुए पत्र में लिखा कि 37 सालों तक कड़ी मेहनत से काम करने के दौरान कंपनी में 30,000 नौकरियां पैदा हुई, लेकिन मैं अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद मुनाफे का बिजनेस खड़ा नहीं कर सका। सिद्धार्थ ने लिखा, इस कंपनी को मैंने अपना सब कुछ दिया, मैं उन लोगों को निराश करने के लिए माफी मांगता हूं। उन्होंने मुझसे भरोसा जताया था, मैं बहुत लंबे वक्त से लड़ रहा था लेकिन अब मैंने हार मान ली है। मैं एक प्राइवेट इक्विटी पार्टनर के शेयर वापस खरीदने के दबाव को और नहीं झेल पा रहा हूं। सिद्धार्थ ने आयकर विभाग के एक पूर्व डीजी पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया था। जब सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए मंगलवार को नेत्रावती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो इसी बीच एक स्थानीय मछुआरे ने दावा किया था कि उसने शाम 7 बजे एक शख्स को नदी में कूदते देखा था। वो एक छोटी नाव में था और वहां से एक शख्स कुछ दूरी पर खड़ा था और वहीं कूद गया। उसने उस जगह पहुंचने की कोशिश भी की लेकिन वो उसे तलाश नहीं पाया। I have received the inquest from the South Police Station, Mangaluru, at 8:30 a.m. today, and the standard post-mortem examination timing is 2 hours and onwards. So our, as per the request of the police, our two specialists are conducting the post-mortem examination. They will collect the viscera for chemical examination and other things for histopathological examination. And whatever evidence they want, whatever support from the other things they want, they will do it as per the set standard.